दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने दोस्त या फिर अपने फैमिली मेंबर को किस तरीके से अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो हमें क्या करना है, व्हाट्सएप से किस तरीके से हम अपनी लोकेशन शेयर करते हैं, तो हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। जैसा कि मैं यहाँ पर रज़ा को अपनी लोकेशन शेयर करूँगा, तो किस तरीके से करूँगा, पिन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको लोकेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप शेयर लाइव लोकेशन करना चाहते हैं, यानी कि लाइव लोकेशन आप शेयर करना चाहते हैं, या फिर करंट लोकेशन शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों लाइव लोकेशन का मतलब ये हुआ, आप जहाँ भी जाते हैं, आपने जैसे अपना लोकेशन शेयर किया, उसके बाद आप जहाँ भी जाते हैं तो जिसको आपने अपनी लोकेशन सेंड की है वो आपके पास वहीं तक पहुँच जाएगा जहाँ तक आप जाएंगे। आप कहीं भी जाएं, वो सामने वाले को आपकी लोकेशन पता चलती रहेगी। अब करंट लोकेशन का मतलब ये होता है, जैसे कि आपने अपनी करंट लोकेशन किसी के पास शेयर की, तो वो सिर्फ वहीं से पहुँच सकता है जहाँ से आपने लोकेशन शेयर की होगी। बाकी आप वहाँ से हट जाते हैं तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। तो दोस्तों किस तरीके से शेयर करना है, तो जैसे कि हम करंट लोकेशन में आपको शेयर करके दिखाता हूँ। तो करंट लोकेशन पर टच करना पड़ेगा, उसके बाद इस तरीके से आपकी लोकेशन शेयर हो चुकी है। दोस्तों इस तरीके से आप करंट लोकेशन शेयर कर सकते हैं। और दूसरा तरीका एक और मैं बताऊँगा आपको, मैप के अंदर से, गूगल मैप के अंदर से किस तरीके से आप लोकेशन शेयर कर सकते हैं। तो चलिए गूगल मैप को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों गूगल मैप के अंदर से किस तरीके से लोकेशन शेयर करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से गूगल मैप से शेयर करते हैं। तो आप डायरेक्टली अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल मैप को ओपन कर लीजिए। वहाँ से आपको क्या करना है, आप अपनी करंट लोकेशन पर आ जाइए। इस पर वाइट आइकन पर क्लिक करने के बाद आप अपनी करंट लोकेशन पर पहुँच जाएंगे। आप उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा जूम करना है आपको। जूम करने के बाद इस पर आपको टच करना है। टच करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी लोकेशन शेयर करनी है, तो शेयर लोकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहां पर टाइम भी सेट कर सकते हैं कि कितनी देर तक की लोकेशन आप उसके पास शेयर करना चाहते हैं। जितना भी टाइम आप वहां पर सेव करेंगे तो वो उतने टाइम तक ही आपकी लोकेशन देख पाएगा, उसके बाद आपकी लोकेशन वो देख नहीं पाएगा। तो यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 2 आवर कर सकते हैं। यहाँ से माइनस वाले बटन से आप कम कर सकते हैं, 45 मिनट, 30 मिनट, ये तरीका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट्सएप में आना है। व्हाट्सएप पर आने के बाद आपको जिसको भी लोकेशन सेंड करनी है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, और आपके जो लिस्ट में नंबर है आप वहाँ से भी सेंड कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने अभी रजा को लोकेशन सेंड की थी, इसी तरीके से मैं यहाँ से फिर से रजा को लोकेशन शेयर कर दूँगा। तो इस तरीके से आएगा इंटरफेस, लिंक उसकी आपको शो होगी सामने वाले को, इस तरीके से आपकी लिंक उसके पास पहुँच जाएगी। अब वो इस लोकेशन को कैसे देखेगा, वो लिंक पर टच करेगा, इस तरीके से वो आपकी लोकेशन देख सकता है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपके थोड़े से भी काम में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।